तो आज का टॉपिक होने वाला है कैसे बनाएं कस्टम यूआरएल अपने यूट्यूब चैनल का। तो अगर आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं तो आप ले सकते हैं कस्टम यूआरएल, जो मैं आपको दिखाऊंगा कस्टम यूआरएल कैसे लेते हैं। तो चैनल को नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही कॉन्टेंट लाता रहता हूँ और लाता ही रहूँगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और हम चलेंगे क्रोम ब्राउज़र में। तो कोई भी ब्राउज़र आप यूज कर सकते हैं। मैं क्रोम ब्राउज़र में जाता हूं और यहां creatorstudio.com सर्च कर दे रहा हूं। उसको डेस्कटॉप साइट में ओपन करना है, आपको पता ही होगा डेस्कटॉप साइट किसे कहते हैं। तो यहां देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट में मैं ओपन कर दिया हूं और ये ओपन हो रहा है। थोड़ा सा वेटिंग करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग देखते हैं क्या होता है। तो ये ओपन हो चुका है सिंपली, और हम नीचे आएंगे देख सकते हैं। तो मैं इसे सिंपली जूम करता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ देख सकते हैं नीचे दूसरे नंबर पर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया है, तो उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेआउट, ब्लेंडिंग और बेसिक इन्फो। तो लेआउट, ब्लेंडिंग, बेसिक इनपुट दिया है, तो हम सिंपली बेसिक इनपुट पर क्लिक कर देंगे। नीचे आएंगे तो चैनल यूआरएल, कस्टम यूआरएल देखने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं कस्टम यूआरएल बनाना चाहता हूँ, तो उस पर मैं क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ देख सकते हैं दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पर आप खुद का भी यूआरएल बना सकते हैं अपने मनचाहा। तो www.youtube.com/c/ डालकर आप लिख सकते हैं अपने चैनल का नाम। तो इसी तरह कस्टम यूआरएल बनता है, आपको मैंने दिखा दिया। और यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं व्हाट्सअप में जाकर दिखा दूँगा, पहले से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर कॉपी भी कर लिया और पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करेंगे तो हो जाएगा। तो पब्लिश करने के बाद मैं व्हाट्सअप में जाता हूँ सिंपली। आपको मैं पहले यूट्यूब में जाता हूँ, कॉपी करना है चैनल का लिंक। तो चैनल का लिंक कॉपी करने के लिए सबसे पहले मैं यूट्यूब में जाता हूँ। तो यूट्यूब में आ चुका हूँ मैं। तो मैं यहाँ YouTube में आ चुका हूँ और कॉपी लिंक कर लूँगा अपने चैनल का। तो मैं दिखाऊँगा आपको चेंज हुआ है नहीं। तो सबसे पहले WhatsApp में जाएंगे। तो WhatsApp में आने के बाद मैं अपना दूसरा नंबर चूज कर लेता हूँ, उसी में मैं भेजूँगा। तो यहाँ पर मैंने क्लिक करके लॉन्ग प्रेस किया, पेस्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं लिखा है ये www.youtube.com/c/mr-dehati-technical। तो आपको देखने को मिल गया है। तो इसी तरह बना सकना।